गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। प्यारे बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश प्रोज से सोक्रेटिस का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें एक पार्ट का अध्ययन हमने किया था। आइए आज हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि वीडियो को हम कई पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आइए। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपके लेखक महोदय रोधा पावर ने यही बताया था कि सुकरात ने बड़े होने पर शारीरिक सुख और सुविधा के प्रति ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया। उन्होंने अपना मस्तिष्क उस दिशा में लगाया जिस दिशा में उत्तमता थी, सम्मान था और उचितपन था। आगे देखते हैं। सुकरात वेंट अराउंड, सुकरात वेंट अराउंड माने भ्रमण किया द टाउन नगर का ऑन फुट पैदल, अपने कदमों पर चल करके यूनान की महान आत्मा दार्शनिक सुकरात ने अपने नगर का भ्रमण किया एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बातचीत की। अंडरस्टैंड द एथेंसियन एथेंस के वासी बिगेन प्रारंभ किए टू लुक फार पहचानना हिज फेमिलियर उसका परिचित फिगर व्यक्तित्व इन द स्ट्रीट गलियों में। एथेंस वासियों ने सुकरात के उस मनमोहक व्यक्तित्व को गलियों में पहचानना और जानना प्रारंभ कर दिया। लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे, लोग अपना मानने लगे एंड टू से और कहने लगे टू दियर फ्रेंड और सुकरात को अपना मित्र कहने लगे। लोग कहते थे यस, हाँ, दैट सुकरात, वह सुकरात है, दैट सोक्रेटिस, वह सुकरात है। लोग ऐसा कहने लगे सुकरात को देख करके। कम अलोंग, लोग कहते थे कम अलोंग, साथ आओ एंड टॉक टू हिम और उससे बातें करो। लोग एथेंसवासी आपस में कहते थे कि आओ मेरे साथ आओ साथियों और हम लोग सुकरात से बातचीत करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सोक्रेटिस बीकेम फेमस, सुकरात बीकेम हो गया फेमस, प्रसिद्ध एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में। कुछ समय के पश्चात सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वंडर्ड, वह भ्रमण करता था अलोंग द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड और खड़ा हो जाता था इन द मार्केट प्लेस, बाजारों में। प्यारे बच्चों, वह एथेंस के सड़कों पर घूमा करता था, भ्रमण किया करता था और बाजार के स्थानों पर खड़ा हो जाया करता था, टॉकिंग, बातचीत करता था टू एनी वन, किसी से भी, हु जो केयर्ड, ध्यान देता था टू ग्रीट, स्वागत करने के लिए, हिम उसका, जो भी व्यक्ति स्वागत करने के लिए उसका ध्यान देता था, वह उससे बातचीत भी किया करता था। इट वॉज द हैबिट ऑफ सोक्रेटिस दैट ही वेंट ऑन द स्ट्रीट ऑफ इन द स्ट्रीट ऑफ एथेंस एंड टॉक विद द पीपल एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो कोई भी उसका स्वागत करने के लिए ध्यान देता था उससे वो बातचीत करता था। हिज लिजनर, उसकी बातों को सुनने वाले वर थे ऑफ्टन प्राय कन्फ्यूज, शक में पड़ जाना,
उसकी बातों को सुनने वाले लोग प्रायः शक में पड़ जाते थे, प्रायः समझ नहीं पाते थे। आफ्टर बाद दे हैड आर्ग्यूड, वे तर्क करने के बाद विद हिम, उसके साथ तर्क करने के बाद, उसके साथ बातचीत करने के पश्चात, उसे हाव भाव तर्क वितर्कों को सुनने के पश्चात लोग शक में पड़ जाते थे, और अथवा आंसर जवाब देने पर हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का जवाब देने के पश्चात, उससे तर्क वितर्क करने के पश्चात लोग शक में पड़ जाते थे, लोग निर्णय नहीं कर पाते थे, लोग उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा, दैट कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न, अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक, विचार करना फॉर हिमसेल्फ स्वयं। सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए, सो दैट ताकि बाय यूजिंग, प्रयोग करके हिज रीजन, अपने तर्कों का, ही वुड हैव, वह हो जाए, ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति आ जाए, टू सी, जानने का, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, क्या उचित है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर क्या है। सुकरात ने देशवासियों से कहा कि मेरे देशवासियों, आप लोगों को स्वयं चिंतन करना सीखना चाहिए, ताकि अपने तर्कों का प्रयोग करके आपके पास यह जानने की शक्ति आ जाए कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या सुंदर है, और क्या सत्य है। By using his reason, anyone can get the power to know what is right, what is true, what is honorable, what is beautiful. It was the saying of Socrates. And also, ताकि शेप माने आकार दे सके, हिज माने अपने ओन, स्वयं के कंडक्ट माने कार्य को, ताकि लोग अपने कार्य, अपने आचरण को एक आकार दे सके, एक शेप दे सके, एक नमूना के रूप में प्रदर्शित कर सके। ही वांटेड, वह चाहता था एथेंस को टू बी बनाना ए परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य। सुकरात एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था, और कोई भी देश, कोई भी राज्य पूर्ण तब बनेगा जब वहां का प्रत्येक नागरिक अपने आप में चिंतन करेगा, जानने के लिए क्या उचित है, क्या सत्य है, क्या सम्मानित है, और क्या सुंदर है। जब तक इन तथ्यों का चिंतन प्रत्येक नागरिक नहीं करेगा, तब तक वह स्टेट पूर्ण नहीं बन सकता है। इसलिए रोदा पावर ने कहा, ही वांटेड, वह चाहता था टू बी बनाना ए परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य, किसको, एथेंस को। He told everyone, he, वह अर्थात सकत सुकरात, told, कहा, everyone, प्रत्येक व्यक्ति से, सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, both his people, दोनों लोगों से कहा, his people, अपने शिष्यों से, and his other, और अपने अन्य follower, अनुयायियों से। प्यारे बच्चों, अपने शिष्यों से भी कहा और अपने अन्य अनुयायियों से भी कहा, that कि this माने यह, अर्थात एथेंस पूर्ण राज्य बन सकता है, कुड ओनली हैपन, केवल हो सकता है, इफ, यदि एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित हो, हिज ओन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क में, टू सी, जानने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही था, एंड नोबल, और उत्तम था। उसने अपने शिष्यों से और अपने अन्य अनुयायियों से यही कहा कि ये बात तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में यह जानने के लिए शिक्षित हो जाए कि क्या सही है और क्या चीज उत्तम है, क्या सम्मानित है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। फिर से देखिए लाइन, ही टोल्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से कहा, सॉरी, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से कहा, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों से कहा, दैट कि
दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी घटित हो सकता है इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड शिक्षित हो जाए हिज ओन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क में टू सी जानने के लिए व्हाट वाज राइट, क्या सही था एंड नोवेल और उत्तम था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था दैट कि क्वेश्चनिंग प्रश्न करने से एंड डिस्कसिंग और बातचीत करने से उड हेल्प सहायता मिलेगी देम माने उन्हें अर्थात एथेंस वासियों को डू दिस यह कार्य करने में। वह विश्वास करता था कि प्रश्न करने से और बातचीत करने से यह कार्य करने में एथेंस वासियों को सहायता मिलेगी। सो इसलिए ही वह वाज फॉर एवर हमेशा टॉकिंग बात करता था टू देम उनसे अर्थात एथेंस वासियों से इन द ओपन स्ट्रीट खुले हुए सड़कों पर। इसी यही कारण था कि सुकरात लोगों से खुली हुई सड़कों पर बातचीत करता था। अंडरस्टैंड, आगे देखें, आइए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, खेलते रहिए, जिंदगी को हंस करके, पढ़ करके, संघर्ष करके एक नेक बना दीजिए, अपने आप को आदर्श स्वरूप बना दीजिए ताकि आने वाली संतानें आपका अनुकरण करें। आइए प्यारे बच्चों, व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, व्हेन, जब सोक्रेटिस सुकरात वाज था एन ए ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, जब उसकी कमर झुक गई, जब झुर्रियां पड़ गई, जब सुकरात परिपक्व हो गया, व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति था, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड, फैल गई फार एंड वाइड, दूर दूर तक सुकरात की प्रसिद्धि, सुकरात की ख्याति, सुकरात के गुण दूर दूर तक फैल गए फूलों की खुशबू की तरह। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन, बहुत से धनवान लोगों के घर ओपेंड खुले होते थे, ओपेंड इट्स डोर, अपने दरवाजे खोल देते थे टू हिम, उसे, बहुत से धनवान लोग सुकरात को अपने घर में बुलाने के लिए अपने दरवाजे खोल देते थे। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन, बहुत सारे धनवान लोगों के घर के ओपेंड खुल जाते थे इट्स डोर, अपने दरवाजे टू हिम, उसके लिए, फार, क्योंकि पीपल फेल्ट, लोग महसूस करते थे आनर्ड, सम्मान, टू हैव, पा करके हिम, उसे, एज दियर गेस्ट, सुकरात को अपने गेस्ट, अपने अतिथि के रूप में प्राप्त करके लोग सम्मान महसूस करते थे। इट वाज द पर्सनालिटी ऑफ सोक्रेटिस दैट एवरी एथेंसियन फेल्ट आनर्ड आफ्टर गेटिंग सोक्रेटिस इन दियर होम, अपने घरों में सुकरात को पाकर के लोग सम्मान महसूस करते थे। By degrees, योग्यता के अनुसार ए स्पेशल ग्रुप, एक विशेष समूह आप पुपिल शिष्यों का गेदर्ड इकट्ठा होता था अराउंड, चारों तरफ हिम, उसकी, योग्यता के अनुसार सुकरात के शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता था एंड फॉलोड, और अनुकरण करता था हिम, उसका, वेयर इवर, जहां कहीं भी ही वेंट वो जाता था। प्यारे बच्चों, जहां कहीं भी सुकरात चल पड़ता था, सुकरात के पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हुए उसके शिष्यों का विशेष समूह चल पड़ता था। एमंग देम, उनके मध्य में वास था ए यंग मैन, एक नौजवान, कॉल्ड प्लेटो, जिसे क्या कहा जाता था, प्लेटो कहा जाता था, एक दार्शनिक के रूप में आज प्रसिद्ध है। उन शिष्यों में एक महान शिष्य था जिसका क्या नाम था, प्लेटो, हु जो ट्रेजर्ड, खजाने के रूप में संजो करके रखता था
एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द विच जो हिज मास्टर उसके स्वामी अटर्ड बोलते थे, उसके स्वामी उसके गुरुजी अर्थात सुकरात जो भी बोलते थे, एक एक शब्द को खजाने के रूप में सजो करके अपने मनोमस्तिष्क में रख लेता था। एंड और इन लेटर ईयर बाद के वर्षों में बीकेम हो गया फेमस प्रसिद्ध एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज सोक्रेटिस सुकरात के समान हिमसेल्फ स्वयं, और बाद के वर्षों में प्लेटो भी सुकरात के समान स्वयं एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अंडरस्टैंड? आइए प्यारे बच्चों, अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि सुकरात का यह आदर्श जीवन किस प्रकार रहा जो आज हमें उजाला दे रहा है। बट किंतु आल दो यद्यपि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग लव्ड प्यार करते थे द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को अर्थात सुकरात को, किंतु बहुत सारे लोग इस बूढ़े व्यक्ति अर्थात सुकरात को प्यार करते थे एंड डिलाइटेड और आनंद प्राप्त करते थे इन हिज विजडम, उसकी बुद्धि से, उसकी बुद्धिमता से, उसकी बुद्धि और उसकी बुद्धिमता से आनंद प्राप्त करते थे। क्लियर हुआ? बट ऑल्दो यद्यपि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग लव्ड प्यार करते थे द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड और आनंद प्राप्त करते थे इन हिज विजडम और उसकी बुद्धि से। डियर बर्थ थे सम कुछ हु जो डिड नॉट, नहीं, अप्रूव माने सहमत थे, आफ हिम माने उसके, और एथेंस में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुकरात की बातों को पसंद नहीं करते थे, मंजूर नहीं करते थे, स्वीकार करते थे। थॉट उसने सीखा कि मेंस माइंड, मानव स्वयं मस्ती, उसने सिखाया कि मानव का स्वयं मस्ती इन्फ्लुएंस, प्रभावित होना चाहिए हिज कंडक्ट, उसके कार्यों से, उसके आचरण से, मोर देन द गॉड्स, मोर अधिक देन द गॉड्स माने देवताओं की तुलना में। उसने सिखाया कि मानव का स्वयं मस्तिष्क देवताओं की तुलना में अपने स्वयं के कार्य और आचरण से प्रभावित होना चाहिए। ही थॉट, उसने सिखाया दैट मैंस ओन माइंड, मानव का स्वयं मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होना चाहिए हिज कंडक्ट, उसके कार्यों से, मोर देन द गॉड्स, देवताओं की तुलना में। उसने सिखाया कि मानव का स्वयं का मस्तिष्क देवताओं की तुलना में उसके स्वयं के आचरण, उसके स्वयं के कार्यों से प्रभावित होना चाहिए। दिस सीम्ड, दिस माने यह, अर्थात सुकरात की यह शिक्षा कि मानव का स्वयं का मस्तिष्क देवताओं की तुलना में उसके स्वयं के कार्य और आचरण से प्रभावित होना चाहिए, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, टू सम पीपल, कुछ लोगों को ए न्यू, एक नया, एंड वीक्ड आइडिया, और दुष्टतापूर्ण विचार, कुछ लोगों को या एक नए और दुष्टतापूर्ण विचार के रूप में प्रतीत होने लगा। ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ कि सुकरात एक नया और दुष्टता से भरे हुए विचारों को चारों ओर फैला रहा है। He said, उसने कहा दैट की दियर बर्थ हायर माने उच्चतम, एंड नोबलर माने उत्तम, डीड्स माने कार्य। उसने देशवासियों से कहा कि हे एथेंस के वासियों, इस धरती पर बहुत ही ऊंचे और बहुत ही उत्तम कार्य हैं देन मेकिंग, करने के, सेक्रीफाइस माने बलि, टू एथेंस, एथेंस, एथेंस देश को, एंड द अदर गॉड्स, और अन्य देवताओं को, आप ग्रीस और ग्रीस के अन्य देवी देवताओं को बलि देने की तुलना में इस धरती पर बहुत ही उत्तम और बहुत ही ऊंचे कार्य है। इट वॉज द टीचिंग ऑफ द सोक्रेटिस फॉर द पीपल ऑफ एथेंस, ही सेज डियर पर हायर एंड नोबलर डीड्स, ऊंचे और उत्तम कार्य थे देन मेकिंग, करने के, सेक्रीफाइस माने बलिदान,
टू एथेंस माने एथेंस की देवी देवता को एंड अदर गॉड्स अन्य देवताओं को आप ग्रीस एथेंस के देवी देवता और ग्रीस के अन्य देवी देवताओं को बलि चढ़ाने की तुलना में इस संसार में बहुत ही उत्तम और अच्छे कार्य थे। एंड और मेनी पीपल थॉट बहुत सारे लोगों ने सोचा दैट की ही वाज लीडिंग वह ले जा रहा था द यंग माने नौजवानों को एस्ट्री माने पथ भ्रष्टता की तरफ। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वह अर्थात सुकरात नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, उनके मार्गों से हटा रहा है, उनके मार्गों से उन्हें डिगा रहा है। क्वेश्चनिंग प्रश्न करते हुए आल हर तरह से दैट दे माने वे हैड बीन थॉट सीखे टू बिलीव माने विश्वास करना। प्रश्न करके एथेंस वासियों ने जो विश्वास करना सीखा एंड फीलिंग और भर दिया दियर माइंड उनके मस्तिष्क को विद डाउट माने शक से। लोगों ने यही सोचा कि प्रश्न करके लोगों ने विश्वास करना सीखा है और सुकरात ने उसके मस्तिष्क को शक से भर दिया है। द मैन लोग हु जो वर्ग गवर्निंग शासन कर रहे थे एथेंस माने एथेंस पर एथेंस देश पर शासन करने वाले लोगों ने सम्मंड बुलावा पत्र भेजा सक्रेटिस माने सुकरात को टू अपियर माने आने के लिए बिफोर देम उनके सामने। एथेंस देश पर शासन करने वाले लोगों ने सुकरात को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र भेजा एंड टू स्टैंड माने खड़े होने के लिए हिज ट्रायल और अपने मुकदमे और अपने मुकदमे का सामना करने के लिए सुकरात को बुलावा पत्र भेजा। हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों ने वेग्ड निवेदन किया हिम से टू स्केप माने बचने के लिए। सुकरात के मित्रों ने सुकरात से अपने बचाव के लिए निवेदन किया कि हे गुरुजी इस मुकदमे से आप बची एंड टू हाइड और छिपने के लिए निवेदन किया अंटिल जब तक कि द स्टॉर्म माने तूफान हैड ब्लोन ओवर समाप्त ना हो जाए। जब तक ये तूफान समाप्त ना हो जाए तब तक सुकरात जा करके कहीं छुप जाए, ऐसा निवेदन सुकरात के साथियों ने किया सुकरात के शिष्यों ने किया। बट सक्रेटिस लेकिन सुकरात वाज था नो नहीं कावर्ड माने कायर लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू वह जानता था दैट की ही हैड डन उसने किया नथिंग कुछ भी नहीं रंग माने गलत। वह जानता था कि उसने गलत नहीं किया एंड और दैट जो कि ही हैड ओनली थॉट उसने केवल सिखाया व्हाट ही बिलीव्ड जो विश्वास करता था टू बी जस्ट उचित है ट्रू सच्चा है एंड ऑनरेबल और सम्मानित है। और उसने लोगों को वही चीज सिखाया जिस चीज में जिस तथ्य में उसे विश्वास था कि वह उचित है वह सही है और वह सम्मानित है। सो इसलिए ही वेंट गया टू द कोर्ट कहां को अदालत को इसलिए सुकरात अदालत को गया। हिज क्लॉथ्स उसके कपड़े एंड शूज और जूते वर्थे डस्टी माने गंदे एंड टेबल स्टैंड एंड और ट्रेवल माने यात्रा के दौरान स्टैंड माने सन जाना और यात्रा के दौरान एकदम गंदे हो चुके थे। उसके जूते और कपड़े गंदे थे और यात्रा के कारण एकदम मैले हो चुके थे। बट लेकिन एवरी वन न्यू प्रत्येक व्यक्ति जानता था दैट की ए नोबल हार्ट एक उत्तम हृदय बीट माने धड़क रहा था अंडर नीचे द सेफी गारमेंट फटे पुराने और गंदे कपड़े के नीचे एक उत्तम हृदय धड़क रहा था यह महसूस की वहां के प्रत्येक व्यक्तियों को थी। ही मेड उसने दिया ए पावरफुल एक शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड प्रभावशाली स्पीच माने भाषण। बेटा कोर्ट में पहुंच करके सुकरात ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषण दिया। He told उसने कहा the Athenian Athens वासियों को। He told the Athenian उसने Athens वासियों से कहा that कि
दे वुड गेन नथिंग, दे माने वे, वुड गेन माने लाभ प्राप्त करेंगे, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बाय टेकिंग अभी माने ले करके, द लास्ट माने अंतिम फ्यू कुछ ईयर्स माने वर्ष ऑफ हिज लाइफ। उसने एथेंस वासियों से कहा कि उसके जीवन के बचे हुए कुछ वर्षों को लेकर के एथेंस वासियों को कोई लाभ नहीं होगा, बट किंतु दैट ही वॉज विलिंग, वह इच्छा कर रहा था टू डाई माने मरने के लिए, मेनी डेथ बहुत सी मृत्यु, फॉर व्हाट ही बिलीव, जिसे वह विश्वास करता था टू बी राइट, सही है, जिस तथ्य को वो विश्वास करता था कि तथ्य सही है, उसके लिए सुकरात एक बार नहीं कई बार मरने के लिए तैयार था, इच्छा रखता था। प्यारे बच्चों, आपका सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम थर्ड पार्ट को लेकर के, और उम्मीद करेंगे कि यह लेसन वहीं पर समाप्त हो जाए, उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए हैं। अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माई डियर स्टूडेंट।